और यहाँ देखो भाई बकरे आए बकरे की टांगा नहीं ये बकरा टांगा हुआ ना ये कहाँ पे ये बकरा नहीं है कुछ और ही है बेड़ा है सजी खरीद से हम तब से ठीक है और सजी बाल बच्चे सब ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह से दुआएं आपकी बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत है जी। ये पिंड होटल है यहाँ पे उसकी बिल्कुल अपोजिट में ये मदरसा है। अस्सलाम वालेकुम दिस इज मेरान आसिफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खट्टे मीठे व्लॉग्स एंड वेलकम टू द अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो आई होप आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और आज हम लोग कहाँ पर हैं अपने मादर इल्मी में जहाँ पर हमने तजीद पढ़ी है 2 साल और आज यहाँ पर आके इतना अच्छा लग रहा है ना। पुराने साथी तो वो नहीं ज़्यादा मिले लेकिन कुछ मिले हैं कुछ से मिले हैं तो आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले एक तो मेरे साथ ही खड़े हैं राना अहमद साहब और राना साहब क्या हाल है ठीक ठाक है ये राना साहब है तो यार अभी हम और पीछे नहीं अस्तफुल्ला पीछे हमारे जो मौजूद हमारे कारी साहब हैं हमारे सीनियर हजरत कारी हबीबुल हसन साहब भी मौजूद हैं तो ये समड़ियाल से आए हैं मजीद। और हजरत कैसे हैं आप तो यार ये राना साहब से राणा साहब तो इधर के गुजरने वाले के रहने वाले हैं हजरत आए हैं समड़ियाल से और अभी ये सारा जामिया रबिया का व्यू है यानी बैक गेट पे हम खड़े हुए हैं ठीक है अभी हम नीचे जाने लगे आपको मजीद दिखाता हूँ चले। सबसे पहले हमारी क्लास दिखानी क्लास ये देखिए ये हमारे उस्ताद जी मेन बड़े उस्ताद जी कारी मोहम्मद सलीम साहब ठीक है उसके बाद कारी जाकिर साहब ये तजवीज़ साल अव्वल के हैं और ये तजवीज़ साल दोम के हैं 2 साल का कोर्स होता है और आपको उस्ताद जी से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी जी कारी जाकिर साहब हैं और सर जी खैरियत से हम तब से ठीक है और सर जी बाल बच्चे सब ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह से दुआएं आपकी बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत है जी बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी हम नीचे आ गए कि नीचे का गेट आपको मैंने दिखाया था जा रहे हैं ना करें चलें बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे खाना साहब चले गए हम नीचे आए तो ये है वजू खाना टोटल सारा और ये वॉशरूम है यहाँ पे ठीक है और ये बहुत खुला मैदान मस्जिद मतलब मस्जिद का मैदान है मस्जिद यहाँ पर है। अब मैं मस्जिद में जा रहा हूँ पहले आपको मस्जिद दिखा के आता हूँ ऊपर मतलब वो देख सकते हो ऊपर क्लासेज हैं सारी ठीक है वो क्लासेज हैं सब नीचे भी क्लासेज हैं और ये मस्जिद का मैदान है और ये मैं मस्जिद में आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम मस्जिद है और पंखा चल रहा है वो ठीक है वैसे यहाँ पर पहले एसी नहीं थे अभी एसी भी लग चुके हैं ये सारी मस्जिद है। ठीक है और अभी हजरत ये मस्जिद से बाहर हैं तो मस्जिद का खुला वसी मैदान है और ये देख सकते हो यानी असर की नमाज का तैयारी हो रही है यहाँ पे बाहर। हाँ जी हो गए यहाँ पर था यहाँ पर होता था पहले ठंडा पानी अब यहाँ से घर उतर चुका है वैसे ये सिस्टम नया लग गया शायद आ रहा हो ठंडा पानी चेक करें नहीं, नहीं।, नहीं कैसे हो टूटी बड़ी किस्म की लगाई है कैसे खुलती हैं ये आया है इधर को मैं आपको ये खतरनाक काम है ये वजू खाना यार यहाँ पर बड़ा अच्छा गुजारा टाइम हमने और ये कमरा है यहाँ पर होती है जामिया अरबिया गुजरा वाला यानी मस्जिद की चीज़ें मस्जिद का जो सिस्टम है ना वो यहाँ पर होता है। अभी हम मैं आपको आगे चलता हूँ कर सब पानी पी के आ जाएँ ठीक है यहाँ पर ये पहले चारपाई की पड़ी हुई है और ये क्लास है एक क्लास ये है दोरा हदीस की ठीक है ये वाली अभी मतलब गंद गुंदी पड़ा हुआ ये मेन गेट है ठीक है मस्जिद एक ये क्लास है और अब वो जो ऊपर का रास्ता बनाया था ना वो ऊपर से यहाँ से जाता है और ये आगे जाता हूँ मैं तो इधर सबसे पहले ये माशाल्लाह खूबसूरती और यहाँ पर ये दिन दुगनी आमीन 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 और ये सबसे पहले शेखुल हदीस मौलाना चिराग साहब जो ये जिनका मतलब यहाँ के शेखुल हदीस बड़े थे हाँ जिनका मतलब जामे ये उनकी कब्र मुबारक है और ये सारा खुला मतलब पहले यहाँ हिफ्ज़ की क्लास आती है तो हिफ्ज़ की क्लास ये बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा ये बस एक क्लास आप देख के आए हैं अभी ये रूम्स आते हैं 17 नंबर 16 है कि 17 है 16 ये 15 मतलब उधर से स्टार्ट हो रहे हैं ये ठीक है और ये प्यारा सा हाल है हाल नहीं है मतलब पार्क बना हुआ है फूल बूटे लगे हुए हैं तो देखो पार्क है सारा
और ये प्यारा सा, अब ये कुछ रूम ये हैं और उस तरफ दफातर है, मतलब काफ़ी दफ्तर हैं। अच्छा इधर आएँ तो इधर ये है सबसे पहले डैशबोर्ड, मतलब बोर्ड क्या बोलते हैं इस पे जो है ना सारा लिखा जाता है पेपरों के। और ये क्या है छिपकी दी आ गई है, पेपर वेपरों का सारा सिस्टम इस पे लिखा जाता है, भाई आज ये होने वाला है वो होने वाला है वो। ये देखें सबक आगाज इंशाल्लाह संवार यानी परसों से होगा, ठीक है। और ये भी ये बालकनी उस रूम से वहाँ स्टार्ट होते हैं एक यहाँ ख़त्म होते हैं। और ये देखो ज़बरदस्त ये गार्डन है ये, और उस जगह गुसल खाने वॉशरूम है वो भाई जा भी रहा गर्मी बड़ी गर्मी लग गई। अच्छा ये बड़ा प्यारा है यार, वैसे आगे यहाँ पर ना जब हम थे सूरजमुखी के फूल नहीं थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरजमुखी के फूल लगे हुए हैं। ये चेक करो सुभान अल्लाह माशाल्लाह कुदरत अल्लाह पाक की वाह, है ना खूबसूरती जामे अरबिया की, ठीक है। ये देखें ये बने जामिया अरबिया गुजरने वाला पाकिस्तान, और इसकी जो साजुल्लामा शेखुल हदीस मौलाना चिराग साहब जो आपके दिखाए हैं, और जो कायम शुदा देखें लिखा हुआ है 1934 पता नहीं 32 इतना कुछ। अभी ये ऊपर की सीढ़ियों में चलते हैं, हम आपको ऊपर वाला व्यू भी दिखाता हूँ। वैसे एक मैंने ब्लॉग बनाया था पहले जब मैं यहाँ पर खत्म बुखारी थी तब आया, तब इतना मैंने खास आपको दिखा भी नहीं सका, तो खैर आज मैं आपको तफसील से दिखा रहा हूँ तफसील से। अभी हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर आके ये चेक करें वो है डाइनिंग हॉल खाना खुना खाने वाला, ठीक है। और ये नीचे वाला व्यू और ये रूम्स, अभी रूम यहाँ कमरों पे ताले लगे हुए हैं क्योंकि अभी बच्चे वगैरह ना अभी आए नहीं कुछ, ठीक है। ये कमरे इधर से देख लो ये कटा भी हो गया थोड़ा थोड़ा, हाँ सफाई नहीं ना हुई दरअसल बच्चे अभी आए नहीं है, जैसे बच्चे आ जाएंगे हजारे बाद सब काम शेड्यूल से हो जाएगा। और इधर आए तो ये बालकनी आ जाती है, मतलब कमरे वहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ पर आगे अब ख़त्म, यहाँ से मतलब बाहर का इंजॉय करें, ठीक है। ये चेक करें ये पिंड होटल है यहाँ पे, उसकी बिल्कुल अपोजिट में ये मदरसा है। तो खैर यहाँ पर जो है ना दाखिले भी जारी हैं, तो अगर किसी ने अपना जो तालिब इलम जो आपने अपना यहाँ पर मतलब बच्चा दाखिल करवाने पढ़ाने के लिए यहाँ पर हर एक सहूलत मौजूद है, मतलब स्कूल का भी ठंडा पानी तो हो गई मतलब नाजरा हिफ्ज, उसके बाद दरस निज़ामी मुकम्मल तजवीद साल अव्वल साल दोम, उसके बाद सबा अशरा, ठीक है। उसके अलावा स्कूल की मतलब आर क्लासेस कंप्यूटर कोर्स ये वो यहाँ पर हर एक चीज़ जो है ना अवेलेबल है। और जो यहाँ पर हॉस्टल है बड़ा प्यारा, ठीक है, फ्री में मतलब कोई पैसे पूसे नहीं, और खाना पीना भी यहाँ पर मौजूद है। और खसूसन कारी मोहम्मद सलीम साहब जैसे अजीम चांद, हाँ जैसे अजीम सितारे हैं, हाँ यहाँ पर मतलब वो मौजूद हैं जो पढ़ाने के लिए आपको बैठे हुए हैं। तो खैर किसी ने पढ़ना हो मतलब वो मेन जीटी रोड गुजरा वाला जामिया अरबिया मदरसा कंगनी वाला, यहाँ पर ये मतलब तराशा जाता है, हाँ ऐसे कह सकते हैं सही, मतलब ज़बरदस्त है ना मदरसा कार साहब। और ये कार साहब यहाँ से तजवीद से फारिग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अभी समड़ियाल में पढ़ भी रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं, और माशाल्लाह खाने पीने का इंतज़ाम बड़ा हैवी है, मतलब बकरे बकरे खिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचू जी, सब खैरियत है? ये गेट कीपर है यार जी, अगर क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ वो देखे उधर बकरा टांगा हुआ है उन्होंने, बकरे भी बकरे बकरे बड़ा बकरे खिलाते हैं, देखे आसिफ साहब की जितनी जान हो गई है बकरे खा खा के। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, ये हाल है तभी ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। ये गेट कीपर है यहाँ के, और यहाँ देखो भाई बकरे आए आगे बकरे टांगा दिखाए, बकरे की टांगा नहीं ये बकरा टांगा हुआ ना, ये कहाँ पे ये बकरा नहीं है कुछ और ही है, सॉरी वेरा ये वेरा वो देखना उसके वो पड़ी हुई है खाल वगैरह, यानी यहाँ पर खाने का इंतज़ाम ना बड़ा हैवी किस्म का, बकरे बकरे आपको खिलाए जाएंगे। और ये जामिया अरबिया आप यहाँ से चेक करो, अभी जो है ना यहाँ से हम जाने लगा हूँ क्योंकि आपको मैंने जामिया अरबिया दिखा दिया, थोड़ा सा छोटा सा व्लॉग था मिनी सा व्लॉग, जामिया अरबिया अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा बहुत ही प्यारा है, ठीक है। ये गाड़ी मेरी है और ये पराठों की चाबी है अल्लाह, यार एक दिन पराठा भी आएगी ना इंशाल्लाह, पराठा भी अल्लाह दे ही देगा, अगर ये मोटरसाइकिल दे दे तो पराठा भी आ ही जाएगी इंशाल्लाह। तो खैर अब यहाँ से हम चेकआउट करें, लेकिन हजरत ने अब जाना है समड़ियाल, इनको मैंने थोड़ा सा आगे उतारना है, उसके बाद मैंने भी अपने घर जाना है। तो आज के ब्लॉग भी खत्म करते हैं, अगर आपको जामिया अरबिया का विजिट अच्छा लगा हो, आपको जामिया अरबिया पसंद आया हो, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़ जी, चलो आ जाओ, चलिए चलिए चलो जी, चलो जी अल्लाह हाफिज़।